हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शुभ टिप्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक फैब्रिक कंडीशनर के बारे में। गाइस, हम बात करेंगे कोपारो क्लीन ब्रांड के फैब्रिक कंडीशनर के बारे में। मैंने ना इस ब्रांड के और भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू किए हुए हैं। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो ना, तो आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर चेकआउट कर लेना। जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं ना गाइस, वो 100% वीगन होते हैं, पीटा सर्टिफाइड वीगन होते हैं, पीटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं इनके प्रोडक्ट्स। सारे ही प्रोडक्ट्स अब तक जो मैंने ट्राई किए, मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस फैब्रिक कंडीशनर के बारे में। इसका रिव्यू दूंगी आपको कि मुझे कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। अगर वीडियो एंड में पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। एंड अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस फैब्रिक कंडीशनर के बारे में। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कोपारो क्लीन, एंड ये उनका लेवेंडर लाइलैक एंड बर्गमेंट वेरिएंट का फैब्रिक कंडीशनर मैंने लिया हुआ है। इसमें किसी भी तरह के ना गाइस डाइज, सल्फेट्स, क्लोरीन, सिंथेटिक डाइज, हार्मफुल कलर एडेड नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ है आपके यूसेज के लिए। आप बच्चों के कपड़ों के लिए भी इसको बिल्कुल सेफली यूज कर सकते हो। एंड गाइस, इसमें ना एलो एंड पर्ल एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो आपका फैब्रिक होता है ना, आपके कपड़े होते हैं, वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहते हैं, बहुत अच्छे से आपके कपड़ों को सॉफ्टन करता है, फेडिंग को प्रिवेंट करता है एंड श्रिंकिंग को प्रिवेंट करता है। सो गाइज, अगर हम बात करें पैकेजिंग की, तो इस तरह की पैकेजिंग थी, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। इस तरह का कैप है आपको मेजर करने के लिए काफ़ी इजी रहता है। इस कैप से मेरा पूरा एक कैप मैं यूज़ करती हूँ। एक बारी में इसको आपको यूज़ कैसे करना है, इसमें लिखा हुआ है पोरा कप फुल इनटू अ फैब्रिक कंडीशनर ट्रे ऑफ योर वॉशिंग मशीन फ्रंट और टॉप लोड। मैं कैसे पर्सनली यूज़ करती हूँ वो आपको बता दूँ। मैं अपने जो डिटर्जेंट होता है ना, मैं इसी ब्रांड का डिटर्जेंट ट्राई कर रही हूँ, आप वो चेक करना, जो इनका लॉन्ड्री डिटर्जेंट है। मैंने उसका रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर किया हुआ है, काफ़ी अच्छा डिटर्जेंट है वो। तो उसके साथ ना मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ एंड काफ़ी अच्छे से काम करता है। कपड़ों को बहुत अच्छे से शाइन देता है, सॉफ्ट रखता है। स्पेशली बच्चों के कपड़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इसमें किसी भी तरह के कोई हार्श केमिकल्स नहीं है। गाइज, आप टॉप लोड फ्रंट लोड दोनों तरह की वॉशिंग मशीन्स में इसको यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज, ये जो वेरियंट है ना लेवेंडर वाला जो मैं ट्राई कर रही हूँ, इसके साथ तो एक बहुत अच्छी सी ना फ्रेग्रेंस रहती है आपके कपड़ों में, जो बिल्कुल भी ऐसी इरिटेटिंग सी नहीं है, ओवर पावरिंग टाइप्स नहीं है, बट बहुत अच्छी आफ्टर स्मेल है आपके क्लोथ से जो आएगी इस वेरिएंट की, तो मुझे बहुत पसंद आई। गाइस, प्राइस की बात करें तो 349 रुपीज में आपको ये 500 ml क्वांटिटी मिलती है। 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ आपको इस प्रोडक्ट की मिल जाती है। अगर आप इसको ट्राई करने में इंटरेस्टेड हो ना गाइस, तो आपको एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेकआउट कर लेना। आपको ना एक अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये फैब्रिक कंडीशनर पर्सनली, बहुत अच्छा है डेली यूसेज के लिए। बहुत अच्छे से कपड़ों पर काम करता है, कपड़ों की जो लाइफ होती है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। बच्चों के कपड़ों पर मैं जरूर यूज़ करती हूँ। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो, हेल्पफुल लगी हो तो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।